बलरामपुर जिलाधिकारी के निर्देशन पर झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ चलाए जाने वाले अभियान में बुधवार को अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी बलरामपुर व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक प्रणव पांडे द्वारा मथुरा बाजार के फारूख पुत्र शब्बीर के क्लिनिक का निरीक्षण किया गया। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा डॉक्टर फारूख द्वारा कोई कागजात ना पेश कर पाने पर क्लिनिक को सीज कर दिया गया और डॉक्टर के खिलाफ उचित कार्यवाही की मांग की गई। पर जो है क्षेत्रों में जो है झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ अभियान चलाया गया है, तो आज कहाँ कहाँ कार्रवाई किया गया है सर? आज हम लोग मथुरा बाजार, हम और अधीक्षक सीएससी शिवपुरा के साथ में मिलकर टीम सहित मथुरा बाजार में छापामारी कार्यक्रम हम लोगों ने किया, जिसमें कि एक अवैध अस्पताल चलता हुआ पाया गया, जिसको हम लोगों ने डिग्री मांगी, कोई डिग्री नहीं दिखा सका, कोई कागज प्रस्तुत नहीं कर सका, उस अस्पताल को हम लोगों ने सीज कर दिया मरीजों को बाहर करा करके। सर सर ये भी जानकारी मिला है कि कुछ लोगों को नोटिस दे करके उनको हिदायतें दी गई हैं, तो ऐसे में कितने लोग हैं जिनको नोटिस? ऐसे में लगभग आधा दर्जन लोग हैं जिनको नोटिस दी गई है कि वो अपने कागज ला के प्रस्तुत करें और दिखाएं कि क्या उनके पर रजिस्ट्रेशन कैसी अस्पताल का उनके। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।